मेरे बाबू, सोना, जादू, टोना, दिल के उजड़े चमन, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। ये देखो मैं आ गई अपनी औलादों को लेके तुम्हारे पास। कौन है तू? अब तुम मुझे भूल गए? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरा और मेरे चार बच्चों का ख्याल रखोगे। ये औरत पागल है क्या? कौन है तू? चल निकल यहाँ से। फालतू में मम्मी पापा ने देख लिया तो मुझे कूट देंगे। तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम मुकर रहे हो? कौन सा वादा, कैसा वादा? अरे लपट्टी, कौन है गेट पर? मम्मी कोई नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। अरे मेहमानों को गेट पर खड़ा नहीं करते, अंदर आने दे। मम्मी मेहमान नहीं है, कोई बड़ी आफत लग रही है मुझे। तू जल्दी बता शॉर्टकट में, कौन है तू और मुझे कैसे जानती है? अरे मेरी डार्लिंग, हम लोग पबजी खेलते हैं साथ में, भूल गए क्या सब कुछ? अच्छा अच्छा, तो तू वो है? हाँ वही हूँ मैं, कोई शक? अरे भाभी जी यार, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे पबजी में। आप तो सचमुच अपने चार औलादों को उठाकर मेरे घर ले आई हो। ये भाभी जी किसको बोला? बीबी हूँ तेरी, और मैं उनमें से नहीं जो वादा करके मुकर जाते हैं। अबे यार, ये तो गले की हड्डी बनने वाली है, इसको जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, तुम निकलो यहाँ से, हमारी मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए, कुछ भी हो चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटे लपट्टी, अभी तक मेहमान अंदर क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई? हट आगे से, अपनी मम्मी से बात करने दे मुझे। चरण स्पर्श मम्मी जी। बच्चों जल्दी से दादी के पैर छुओ। दादी जी पैर लागो, दादी जी पैर लागो, दादी जी पैर लागो, दादी जी पैर लागो। अरे बहन जी, मैं आपकी मम्मी और इन बच्चों की दादी ना हूँ, आपसे कोई गलत फहमी हो गई है। क्या हुआ, ये न्यू आइटम कौन आया घर में? चरण स्पर्श पापा जी। बच्चों जल्दी से दादाजी के पैर छुओ। दादाजी पैर लागो, दादाजी पैर लागो, दादाजी पैर लागो, दादाजी पैर लागो। मैं दादा कब बन गया, तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। अरे तू है कौन और क्या तमाचा लगा रखा है, और ये रेलगाड़ी किसकी है? मम्मी जी मैं आपकी बहू हूँ। अरे मेरी बहू, पागल हो गई है क्या? अभी मेरा लपट्टी तो कुंवारा है। मम्मी मम्मी पापा से भी मिलवाओ। बेटा ये है तुम्हारे बाप, खेलो इनके साथ। ये पापा पापा, अपना बाप कितना छोटा है। लगता है हमारे बाद ही पैदा हुआ है। अरे पागलों की औलाद, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, शोर मचाना बंद करो। अरे लपट्टी ये क्या ड्रामा हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही ना आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं लपेटी लपेट दूंगा इस औरत और इसकी रेलगाड़ी के डब्बों का। मैं बताती हूँ मम्मी जी आपको। अरे चुप, मम्मी गई तेल लेने, खबरदार जो दोबारा मम्मी बोल रहा मुझे जवान खींच लूंगी तेरी। ये मम्मी गई तेल लेने? नहीं मम्मी, तेल लेने जाएंगी अब। मैं पापा के साथ तेल लेने जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं दादा दादी के साथ तेल लेने जाऊंगा। छोड़ मेरा। ये ताला क्या हो रहा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ बाबूजी आपको, ये लपट्टी जी मेरे पति देव है और मैं इनकी पत्नी हूँ, और ये मेरे चार बच्चे हैं। अरे क्या कहा तूने, तू लपट्टी की बीबी है? ए लपट्टी, ये बीबी कैसे हो गई तेरी? हाँ मम्मी जी, मैं लपट्टी जी की बीबी हूँ, और बाबूजी ये आपके चार पोते हैं। मेरे चार पोते कब हो गए, मेरे तो दो ही पोते हैं। नहीं नहीं, मेरा तो कोई पोता ही नहीं है। मम्मी पापा ये औरत सरासर झूठ बोल रही है, मैं इस औरत को जानता तक नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग है, कहो तो सुनाऊँ सबको। हाँ सुना, जल्दी सुना। ये लो जी, कब तक हमारे साथ मोबाइल में पबजी खेलते रहोगे, कभी सच में भी खेलो हमारे साथ। अरे मेरी जान, तू हाँ कर, मैं अभी इसी फोन में घुस के तेरे पास आ जाऊंगा। नहीं जी, आप आने का कष्ट क्यों करेंगे, आप कहें तो मैं खुद ही आपके पास चली आती हूँ। अरे आजा, जल्दी आ जा, वैसे भी घर में मम्मी पापा की लड़ाई देख देख कर बोर हो गया हूँ, और तू आ जाएगी तो हम दोनों वो वाली लड़ाई करेंगे। जी मैं जरूर आऊंगी, आप रोक नहीं पाओगे मुझे। अरे आना, जल्दी आ, बिल्कुल नहीं रोकूंगा, सीधा बेडरूम तक जाना नॉनस्टॉप। जी मेरे चार छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी ले आऊंगी मैं। अरे तू चार नहीं 40 बच्चे ले आ, बस जल्दी से आ जा। सुन लिया आप लोगों ने, अरे लपट्टी ये तेरी आवाज है? अरे मम्मी मैं पबजी खेल रहा था तो मजे मजे में मैंने ऐसे बोल दिया था इसको। मजे मजे में क्या होता है, मेरी शादी भी हो गई है तुम्हारे साथ। शादी कैसे हो गई? हम दोनों की शादी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर हुई थी। और ये बच्चा पार्टी कहाँ से आ गई? पापा जी वो इन्होंने अपनी पसंद के चार बच्चों की फोटो व्हाट्सएप पर सेंड किए थे, मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड किए हैं 5G की स्पीड से। हाय राम, ये क्या हो रहा है इस धरती पर, कमीने तू खेल के दिखा पबजी, अब मैं बताती हूँ तुझे। ये मेरे बच्चे नहीं है, मैं खुद अभी बच्चा हूँ, ये औरत झूठा आरोप लगा रही है मुझ पर, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने।
हे लपट्टी रुक जा, तुम ये बताओ दारू के पैक बना लेती हो? हाँ मैं मस्त पैक बनाती हूँ, मेरा एक पैक पी के आप 10 दिन से पहले नहीं उठोगे। ठीक है, तो आज से ये इसी घर की बहू है और ये सिर्फ हमारी सेवा करेगी। अच्छा, और बच्चों की नपोर कौन झेलेगा? बच्चों का एडमिशन करा देंगे, स्कूल चला जाया करेंगे सारे। पहले मेरे फीस के पैसे दे दो, 1 महीने से स्कूल वाले क्लास में बैठने नहीं देते हैं, कब से स्कूल नहीं गया हूँ मैं। बदतमीज लौंडे, तेरे हैं तो तू भर उनकी फीस, मैं क्यों भरूं? मैं तो अपनी बहू के मजे लूंगा, मेरा मतलब है कि बहू से सेवा करवाऊंगा, आखिर ससुर हूँ इसका। ऐसे तो मैं इसकी सास हुई, मैं अपना काम भी करवा लूंगी। ऐसे तो मेरी भी बीबी है, मैं भी अपना काम करवाऊंगा पेल के। तू कौन सा काम करवाएगा बहू से? मैं वो। अरे भाई पकड़ लो इसको, पकड़ लो, यही है जो पाकिस्तान से भाग के आई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो दरो, दरो, इसको, ये हमारी बहू है। ले लो बहू के मजे, हो गया सत्यानाश।